एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी डांसिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए अपना हॉल का टूर लेकर आई हूँ। हॉल भी है, डाइनिंग रूम भी है मेरा एक ही में, क्योंकि सोफा वगैरह भी है ना, और डाइनिंग टेबल, टी टेबल, टीवी वगैरह सारा कुछ मेरा यहीं पे है। आज मैं आप लोग को अपना हॉल का टूर कराती हूँ। प्लीज फ्रेंड, वीडियो पे बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा हॉल, वैसे तो कोई खास नहीं है, अभी हॉल पे बहुत सारा काम बाकी है, धीरे धीरे होगा ना, बट जितना है मैं आप लोग को अपना हॉल का टूर कराती हूँ। मेरा छोटा सा ये हॉल कैसा है, और मेरा मतलब घर पे ना सबसे ये फेवरेट प्लेस है, मेरे को अपना हॉल ना बहुत अच्छा लगता है, मीन्स छोटा भी है और मतलब बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, वैसे तो देखे होंगे मेरे हॉल क्लीनिंग में, बट आज अलग से टूर कराती हूँ। चलिए अपना हॉल का टूर कराते हैं। ये रहा सबसे पहले यहाँ पे मेरे हॉल के बाहर ना कुछ ऐसा नज़ारा है। मेरे हॉल पे 3 विंडो है, एंड 3 विंडो पे मैं लॉन्ग पर्दा लगा के रखी हूँ। मेरे को शॉर्ट पर्दे अच्छे नहीं लगते हैं विंडो पे, और लॉन्ग लगा के रखी हूँ। और मुझे और भी कुछ सेट करना है, सोच रही हूँ ना बीच में नेट का पर्दा भी दूंगी, बट अभी धीरे धीरे होगा। ये मेरा छोटा सा हॉल है, प्लीज़ आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा एंड कॉमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा ये मेरा छोटा सा हॉल डाइनिंग रूम कैसा है। और देखिए ये विंडो के बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है, बाहर का व्यू हरा भरा। ये रहा मेरा हॉल। हॉल पे जो विंडो है ना, उस पर मैं फ्लावर लगाई हूँ, इंडोर फ्लावर। बहुत ही प्यारा सा ये फ्लावर है, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा है ये प्लांट, है ना, बहुत प्यारा है। और मैं ना दोनों विंडो पे लगा के रखी हूँ अपने, एक विंडो पे लगाना है मेरे को, बट अभी नर्सरी से लेकर नहीं आई थी, दो ही लेकर आई थी ना, तो दोनों विंडो पे लगा दी हूँ। और ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बतलाइएगा। और ये ना इंडोर प्लांट है तो कोई दिक्कत नहीं है, सूखता भी नहीं है। इसको हम वीक में एक बार ही पानी देते हैं, पर डे नहीं देना होता है। पर डे देने से ना ये प्लांट ख़राब हो जाता है, जो मतलब नर्सरी वाले भैया थे ना वो बताए थे। और बहुत ही प्यारा लगता है ऐसे विंडो पे लगाना। और जस्ट गेट के पास ऐसे राधा कृष्ण का फ़ोटो बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये फ़ोटो काफ़ी प्यारा है, राधा कृष्ण का फ़ोटो है ये। इसके बगल में कॉर्नर लगा हुआ है, कॉर्नर में फ्लावर पॉट रखी हूँ मैं। जो घर हॉल है ना, उसके जो कॉर्नर है वो कॉर्नर के साइड में ना सब साइड लगा हुआ है, ऐसे करके फ्लावर पॉट लगा हुआ है। यहाँ पे फोटोज़ है, और फिर यहाँ पे लाइट है, ये सेलिंग लाइट है ना, दोनों साइड है, देखिए बीच में फ़ैन है, ऐसे सेलिंग लाइट है। उसके बाद ये फ्लावर तो आप लोग देखे ही थे जस्ट विंडो के नीचे। फिर मेरा यहाँ पे सोफ़ा है, वैसे सोफ़ा तो काफ़ी ओल्ड हो गया है ना, बट चेंज करना है, धीरे धीरे होगा। बट अभी जो है मैं आप लोग को अपना हॉल का टूर करा देती हूँ। ये मेरा सोफ़ा हो गया। हॉल पे मेरा एक बेसिन है, ये बेसिन का यूज बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा यूज नहीं होता है, बस ऐसे ही यहाँ पे बेसिन लगा हुआ है। वैसे सही है, ख़राब नहीं है सही है ये बेसिन, और यहाँ पे बेसिन लगा हुआ है। फिर यहाँ पे एक रूम है, ये मेरा पूजा रूम है, यहाँ पे रूम है। हॉल के हॉल पे 3 रूम है ना मेरा, एक ये साइड है, एक वो देख रहे हैं बीच में गणेश जी हैं, दोनों साइड रूम है। और फिर ये छोटा वाला सोफ़ा ना इधर नहीं आया, इधर मतलब यहाँ और वहाँ आता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट नहीं आया, तो मैं ना सोची साइड पे ही रख देती हूँ, इसलिए उसको साइड पे रखी हूँ। और सोफ़ा के जस्ट सामने मेरा टी टेबल है, टी टेबल पे जो रखना होता है रिमोट, न्यूज़पेपर, देन बहुत ही प्यारा सा ये फ्लावर पॉट है। इस तरह से मेरा ये हो गया हॉल का। फिर हो गया यहाँ पे गणेश जी का काफ़ी प्यारा सा बोर्ड लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, और ये बोर्ड को मैं अपने हाथों से बनाई हूँ, और ये बोर्ड सिल्वर पेपर से बनता है। मैं मायके में भी बनाई थी, और देन यहाँ भी आई ना तो फिर बना के लगाई हूँ। और ये बोर्ड ना ख़राब नहीं होता है, लाइफ टाइम रहता है, ऐसे ही शाइनिंग भी रहेगा और बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। इसको ना हम राधा कृष्ण, गणेश जी, या मतलब कोई भी मतलब आप कर सकते हैं, जिसका आप आकार देंगे ना वो शेप का बन जाता है। तो मैं गणेश जी का बनाई हूँ, बहुत ही प्यारा सा ये सिल्वर पेपर का बोर्ड बनाई हूँ, बहुत अच्छा लगता है। देन फिर यहाँ पे बीच में फिर एक विंडो है मेरा, जैसे ये डाइनिंग टेबल है ना, डाइनिंग टेबल के जस्ट सामने में
विंडो है, विंडो को कुछ इस तरह से वहाँ भी एक फ्लावर पॉट लगाई हूँ। दोनों साइड मेरा एम्बोस पेंटिंग लगा हुआ है, ये भी दोनों पेंटिंग ना मैं अपने हाथों से बनाई हूँ। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा बनाया हुआ पेंटिंग कैसा लगा। मैं कोशिश करती हूँ ना ज़्यादातर मेरे घर पर मतलब मेरा खुद का बनाया हुआ चीज़ हो, और जब खुद का बनाया हुआ चीज़ आप देखते हैं ना बार बार तो मन को बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये रहा फिर मेरा डाइनिंग टेबल, आप लोग को दिखाती हूँ जूम करके ये डाइनिंग टेबल कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये रहा मेरा डाइनिंग टेबल, और जो डाइनिंग टेबल में यूज़ है खाना खाने के टाइम ऐसे फिर लगाया जाता है मेट, तो ना जब यूज होता है तो फिर रख देती हूँ इसे साफ करके, फिर ऐसे ना लगा के रखती हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता है लगा के रखना, ऐसे साइड में ऐसे लगा हुआ रहता है, जब यूज करना होता है ना तो सब साइड ऐसे करके लगा देती हूँ। ये रहा फिर यहाँ पे फिर एक रूम है, फिर रूम के बाद यहाँ पे टीवी लगा हुआ है। अभी टीवी भी काफ़ी स्मॉल साइज का है, होगा बाद में बड़ा, मेरे को शौक है। और यहाँ पे फिर मैं वॉच लगा कर आई हूँ, देखिए आप लोग कितना प्यारा सा ये वॉच है, डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लगता है देखने में, बहुत अच्छा लगता है ये वॉच डिज़ाइन है बीच में हार्ट शेप का। और फिर यहाँ पे टीवी है, और बस ये रहा मेरा होम टूर मीन्स हॉल टूर। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। एंड मैं ना फ्रंट कैमरा पे दिखाती हूँ, वैसे तो ये बैक से हो गया, इस तरह से मेरे हॉल पे लगा हुआ है सारा कुछ। विंडो के इनसाइड में यहाँ पे रखी हूँ मैं अच्छे अच्छे फ्लावर्स, देन देखिए बाहर का आउटसाइड, विंडो के आउटसाइड इतना प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा लगता है। और भी बरसात का सीज़न है ना तो बारिश होती है ना तो पूरा ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, और मौसम भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा था ये बाहर का व्यू। और इस तरह से कुछ मेरा हॉल है, हॉल टूर। और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, पता है बारिश भी होती है ना बट गर्मी का नाम मतलब गर्मी का जाने का नाम ही नहीं है, तो फैन ना चालू ही रहता है मेरा, बहुत ज़्यादा गर्मी है बोल के। और फिर ये रहा छोटा सा मेरा प्यारा सा हॉल। अभी ना हॉल पे बहुत सारा काम करवाना है बट रेनी सीजन के बाद ना सारा काम होगा, बस अभी जैसा था मैं आप लोग को हॉल टूर करा दी। अभी बहुत सारा काम है वॉल वगैरह में ना, कुछ कुछ ऐसे ही लगाना है, देखते हैं कब हो पाता है। को बतलाइएगा यहाँ पे ना मैं स्टैंड बनवाने वाली हूँ, मीन्स टीवी रखने का जो शोकेस टाइप का रहता है ना वैसे, ड्रॉवर वगैरह सारा कुछ रहेगा, फिर फ्लावर रखने का मतलब जो भी शो का हम जो रखना चाहते हैं ग्लास का बना हुआ रहेगा, बीच में टीवी रहेगा और साइड साइड में ऐसे नीचे बॉक्स रहेगा। मैं मतलब बनवाना चाहती हूँ 1-2 मंथ में, 2 मंथ आई थिंक लग ही जाएगा, 2-3 मंथ में ये मेरा हॉल का काम कम्प्लीट हो जाएगा। और फिर कैसा लगेगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे ना जो टीवी है उसको फिर ये टीवी यहीं पे रहेगा, बस इसका ना वो स्टैंड लगेगा, और फिर यहाँ नीचे ड्रॉवर लगेगा, और यहाँ पे ना ग्लास बना हुआ रहेगा ऐसे कुछ कुछ मतलब शो के लिए रखने के लिए। और फिर इस तरह से मेरा हॉल है, इधर डाइनिंग रूम, टी टेबल, सोफा, फैन, लाइट, बोर्ड, फोटो पिक, गमला, बस इस तरह से मेरा हॉल है। एक रूम यहाँ पे है, 2 रूम उधर है, बीच में हॉल है, 3 रूम है मेरे हॉल पे, बीच में हॉल है, 2 रूम साइड में है, 1 रूम यहाँ है, और देन फिर ये हो गया हॉल। और ये रहा छोटा सा हॉल, मेरा हॉल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो आप लोग क्लीन मतलब क्लीनिंग जब करती हूँ तो आप लोग देखे ही थे, बट सोची ना कि अलग से अपना हॉल का टूर कराती हूँ आप लोग को। और अब मैं किचन टूर का वीडियो अपलोड की थी, वो वीडियो को आप लोग बहुत सारा प्यार दिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो मैं आप लोग के लिए हम अपना हॉल का टूर लेकर आई हूँ। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये हॉल टूर वीडियो कैसा लगा, मेरा छोटा सा हॉल टूर प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो अभी ज़्यादा खास नहीं है, मतलब ये सोफ़ा वगैरह भी पहले का है तो अभी नया लेना है, बट धीरे धीरे होगा। और वॉल पे ना बहुत सारा काम बाकी है, ग्लास वगैरह लगाना है तो लगेगा वो सब भी, बट अभी बस जितना था तो मैं आप लोग को दिखा दी। किचन टूर कराई थी तो सोची अपना हॉल टूर भी करा देती हूँ। वैसे तो मैं अपना होम टूर का वीडियो अपलोड की थी पर एक एक चीज़ नहीं हो पाता है ना क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, तो अलग से टूर करा दी। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ये मेरा छोटा सा हॉल कैसा है, एंड मैं आप लोग को बाहर का व्यू भी दिखाई ना,
मेरे हॉल के बाहर का व्यू बहुत ही प्यारा है, एकदम अभी हरा भरा, और बारिश का मौसम है ना, तो जितना भी बाहर पेड़ पौधे हैं सब एकदम हरे भरे हो गए हैं, इसलिए ना ये मेरा फेवरेट प्लेस है। मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और जितना विंडो वगैरह में है ना, सारा मैं प्लांट लगाई, आप लोग देखे ही हैं, मेरे को प्लांट लगाना बहुत पसंद है। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।